सभी मीडिया दोस्तों, आप सभी को गुड मॉर्निंग एंड आज का इस वार्तालाप में आप लोगों को वेलकम करता है। आप सभी को मालूम है कि पिछले 10 तारीख, 11 तारीख और 12 तारीख को कुछ लोगों ने बनपोल डिक्लेयर करके ये कोशिश करने की कोशिश किया था कि ईटानगर में जो 4-5 लाख रहते हैं उनको बंदी बनाने के लिए, उन सभी का एसेंशियल सर्विस को पूरा खत्म किया। मेडिकल में जाने वाला लोगों को पूरा बंदी बना के रख दिया, सड़क में चलने वाला लोगों को बंदी बनाया, स्कूल कॉलेज जो पढ़ाई करता है सभी को बंद कर दिया, एग्जाम देने वालों को भी सब परेशान करके रख दिया। हम लोग मजबूरन इंटरनेट को भी बंद करना पड़ा ताकि जिसके कारण से उन लोगों को बहुत परेशानी हुआ। ईटानगर जो है, हमारा जो सरकार बहुत कोशिश करने का बाद रेलवे स्टेशन को यहाँ लेके आया, एयरपोर्ट को लेके आया, एयरपोर्ट में आने वाला को भी बंदी बना दिया, रेलवे स्टेशन आने वाला को भी बंदी बना दिया। तो इस बंद कॉल को सुप्रीम कोर्ट ने डिक्लेयर किया है कि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, अनडेमोक्रेटिक है। इसको लेके काफी अरेस्ट भी हुआ और इस अरेस्ट के दौरान सड़क पे जो लोग कुछ लोग इस प्रकार से एक्टिविस्ट बन गया था, उनसे हमने बात की, कुछ कुछ जिला से भी हमको डिस्ट्रिक्ट से भी कवर मिला। मेरा पास जो ऑफिसर यहाँ बैठा है COEAC, आपने कितना पैसा दिया, और उन्होंने कहा कि हमारा बेटा के लिए हम तो पैसा दिया ही नहीं है। तो आप बेटा को पैसा नहीं दिया है तो आप किस लिए यहाँ बनकोल में अभी जुड़ा है, क्योंकि ये नॉलेज हो तो इसी चीज का बात को बोलता है कि जो एग्जाम में पास हुआ है या फेल हुआ है, जो एग्जाम है उसको नाले बोइट करना है। ऐसे करके बहुत से परिवार को हम लोग ने मिला है और ऐसे भी लोगों को मिला है कि नाले बोइट क्या है, तो नाले बोइट तो लड़का नहीं तो कोई लड़की होगा, हम भी उसको एकदम देखने दी है। उन लोगों को ये नाले बोइट कोई इंसान होता है सोचता है। तो ऐसे करके हमें बहुत से लोगों को मिला है कि इस प्रकार से बिल्कुल उसको पता नहीं है कि ये बंद कॉल किस लिए करता है, नहीं करता है। तो इसी कोई वीडियो को लेके एक हमारा राइट साइड में एक दोस्त बैठा है, उन्होंने हमें फेसबुक में हम लोगों को बोला है कि वो ये बंद कॉल जो है सुप्रीम कोर्ट जो डिक्लेयर किया है, इसका पास कोई सुप्रीम कोर्ट में डबल बेंच, ट्रिपल बेंच, 7 बेंच, कितना बेंच होता है, हो सकता है कि जो सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर है उसको हायर कोई सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर उनका पास है बोला, जो बंद कोर्ट को उसको जो डिक्लेयर किया गया था उसको नालीफाइड किया हुआ है या उसको उस ऑर्डर को खारिज किया गया है, उनको उसको लेके उनका पास है बोला। आज उनसे सुनते हैं कि बंद कोर्ट को किस प्रकार से जो ऑर्डर हमने मैसेज बना के हमने जो बंद कोर्ट को जो कॉलर को अरेस्ट किया है उसको अभी वो बताएगा कि उनका पास ये ऑर्डर है, बंद कोर्ट तो अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है, बंद कोर्ट जो है लीगल है, वो बताएंगे। दूसरा है कि ये बंद कोर्ट से जो जुड़ा हुआ है, हमारा जो समझ में जो आया है कि पब्लिक सर्विस कमीशन जो है, पब्लिक सर्विस कमीशन जो है उनका काम करने का तौर तरीका है, पब्लिक जब उनको आपको कॉन्स्टिट्यूशन में जो मुझे याद है शायद आर्टिकल 115 से लेके 132 तक शायद उसमें है, पब्लिक सर्विस कमीशन और स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन किस तरह से बनाया जाता है उसका
कंपोजिशन, उसका पावर एंड फंक्शन, ये सब सारा अगर दिया जाता है तो उसका मुताबिक से पब्लिक सर्विस कमीशन जो है, हमारा जो स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन का जो चेयरमैन होता है, मेंबर होता है, उसका एलिजिबिलिटी होता है, जैसे कि किसको पब्लिक सर्विस कमीशन का मेंबर बनाया जाएगा, चेयरमैन बनाया जाएगा, उसका टेन्योर का बारे में होता है, उसका रिमूवल का बारे में होता है। तो अभी यहाँ में जो ईटानगर खास करके जो अभी जितने भी पब्लिक सर्विस कमीशन का चेयरमैन था, जो भी एपीसीएस पियास्को हो गया, उस दौरान पब्लिक ने डिमांड किया कि उन लोगों को एक्शन लेना है। तो अभी आप जो हमारा जो पब्लिक सर्विस कमीशन का जो उसका अपॉइंटमेंट, उसका रिमूवल का जो सिस्टम होता है, तो चेयरमैन या मेंबर कानून का हिसाब से अगर बोला जाए तो उसको प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ही रिमूवल कर सकता है, और रिमूवल करने का एक अपना से रिजिग्नेशन दे सकता है, या उसको कोई गलत काम पाया जाता है तो उसको रिमूवल किया जा सकता है, और उनका ऊपर में कुछ एलिगेशन होता है तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है सुप्रीम कोर्ट को लिखेगा कि इसको इंक्वायरी किया जाए, और इंक्वायरी करने का बाद तो चेयरमैन है उसको अगर गलत पाया जाता है और सुप्रीम कोर्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को रिकमेंड करता है, वो कंपल्सरी उसको हटाना ही होता है। तो हमारे यहाँ में क्या हुआ है कि जो ये पियास्को जो हो गया, जो पियास्को जो हो गया है, तो हमारा सरकार जो स्टेट का जो सरकार है उन लोगों को रिजिग्नेशन देने का मजबूर किया गया, और ये जो मजबूर करने का मतलब ये हुआ है कि पब्लिक का इंटरेस्ट को, पब्लिक का डिमांड को लेके उन्होंने काम किया। तो इस हिसाब से देखने से अभी जो सरकार जो है लोगों का बात को रखा, मेरा हिसाब से। दूसरा है कि आप जहां नालेम बोर्ड का बात होता है तो इससे जुड़ा होता है, जब चेयरमैन हट गया, मेंबर हट गया, एक मेंबर जो है जो रिजाइन नहीं किया वो रह गया, तो अभी आप देखेंगे कि ये जो नालेम बोर्ड को लेके सरकार जो है ऑलरेडी माइनस में ग्रो करके रखा हुआ है, और असेंबली फ्लोर, असेंबली का जो फ्लोर में भी बात कर चुका है कि इसको जैसे ही ये पब्लिक सर्विस कमीशन कंपोज फॉर्मेशन हो जाता है तो उसको रिकमेंड किया जाएगा। जो है ना अभी का समय में हमारा जो चेयरमैन नहीं है, पूरा मेंबर नहीं होता है, जब कोई भी डिसीजन लेना होता है चेयरमैन का अंदर में बैठ के, ये जो मेजोरिटी डिसीजन होके कोई भी चीज को नालेम बोर्ड को ये लोग टेकअप करके वो एक डिसीजन लेगा। अगर वहां में किसी को लगा कि ये सही नहीं है डिसीजन, देन वो कोर्ट में जाके ये फैसला होगा। दूसरा है कि जो भी करप्शन हो गया, कितना साल से जो करप्शन हो गया, एक जो हो गया है उसको इन्वेस्टिगेशन का मामला होता है, उसको पुलिस ने शुरू किया, उसका बाद एसआईटी ने शुरू किया, तो पब्लिक भी डिमांड किया इसको सीबीआई और ईडी लोग को देना है, सेंट्रल एजेंसी को देना है मौके, तो सरकार ने रिकमेंड किया, सीबीआई भी आ गया, ईडी भी आ गया। तो अभी जब ये सीबीआई और ईडी काम कर रहा है, ये सेंट्रल एजेंसी है, ये स्टेट गवर्नमेंट का देख रेख में नहीं होता है, स्टेट गवर्नमेंट जो है उनको ये करो वो करो डायरेक्शन नहीं दे सकता है। तो अभी यहाँ जो हमको जो यहाँ इस समय में जब बंद कर हुआ, हमने लोगों से बात किया, उनका जो डिमांड किया है, तो डिमांड तो यही है कि एक है नाबम निपो को अरेस्ट करना, दूसरा है कि ये नालेम बोर्ड को इम्प्लीमेंट करना। तो ये दो मेजर इश्यूज है जो उन लोगों ने बात किया है, जो नालेम बोर्ड जो है जब तक पब्लिक कमीशन जो फॉर्मेशन जो करने के लिए कोशिश किया, उसको राजभवन का रास्ता में, हम तो स्टेशन में नहीं था, काफ़ी लड़ाई हुआ और उसको ओवर टेकिंग लेने नहीं दिया। जब ओवर टेकिंग लेने दिया नहीं है तो पब्लिक सर्विस कमीशन फॉर्मेशन नहीं हुआ, तो नालेम बोर्ड का जो बात है वो अभी अधूरा ही होता है। जब ये पब्लिक सर्विस कमीशन फॉर्मेशन होता है तब तो जाके अगर केस को रिकमेंड नहीं करता है सरकार जो है, तब ये इशू आता है।
तो ये फॉर्मेशन को होने नहीं दे रहा है और डिमांड कर रहा है नालंदा बोर्ड को सेटल करना है। दूसरा है कि नवम निपो का केस को अरेस्ट करना है बोलता है। तो ये जो केस है आपको पहले स्टेट पुलिस कोशिश किया, देन एसआईटी पुलिस कोशिश किया, देन अभी पब्लिक का रिक्वेस्ट करने पर वो अभी सीबीआई का पास है। तो सीबीआई लोग जब उसको अरेस्ट करने का बात आता है तो स्टेट गवर्नमेंट इसको इंटरफेयर नहीं कर सकता है, इन्वेस्टिगेशन का मामला है। तो अभी हमारा जो दोस्त है जो उनका कहना है कि नालंदा बोर्ड या कुछ भी हो पता नहीं है, वो हमको क्या समझाएगा होगा और पब्लिक को क्या समझाएगा होगा, तो हम जानना चाहेंगे कि वो किस प्रकार से बंद कॉल को लीगल डिक्लेयर करेगा। और दूसरा जो है अभी नालंदा बोर्ड और नवम निपो के अरेस्ट का बारे में यही मेजर इशू है, तो उसका ऊपर में हम आप लोग का जितना माइक है उस तरफ दे दीजिए, उनको बात कर दीजिए, करने दीजिए, हम लोग सुनेंगे। तो सर ने ये बात गलत बोला है, पहला बात है कि मैं सुप्रीम कोर्ट से पढ़ा नहीं हूँ और मैंने कभी नहीं कहा कि बंद कोर्ट का नहीं है। नहीं, आप सुप्रीम कोर्ट का बात उसको अगर पहले उसको जवाब दीजिए, आप सुप्रीम कोर्ट से बड़ा है, हमने बोला है आपका पास अगर ये बंद कोर्ट को हम बंद कोर्ट से कनेक्टेड दे बात है, अगर बंद कोर्ट को अगर आप सही नहीं डिक्लेयर करता है तो आगे बात नहीं बोलना है। पहले बंद कोर्ट को आप कोई तो ऑर्डर दिखा दीजिए जिसमें आपको बंद कोर्ट को सही है। आपने क्या लिखा था सर? मैंने ये लिखा था सर को कि सर आप जो है सब्जी बेचने वाला को क्यों पूछ रहे हो कि नालंदा बोर्ड जा रही है क्या है, तो मुझसे डिबेट कीजिए, ऐसा मैंने सर को लिखा था। तो सर मैंने कभी नहीं बोला कि ना ये बंद कॉल होना है नहीं होना है, वो मेरा ओपिनियन ही नहीं। उन लोग का डिमांड जो है बंद कॉल इसलिए किया कि नालंदा बोर्ड ही सब्जेक्ट है। बंद कॉल को आप बताइए, लेकिन आप सर कितना पॉइंट का डिमांड था मुझे बताइए।